जय गुरु। दिनांक 7/3/1945। प्रमोद दास शिशि ठाकुर जी से पूछ रहे, परिवेश के अधिकतर लोग यदि असत चलन में अभ्यस्त हो, वहाँ पर दो चार लोग असत निरोध करके क्या कर सकते हैं? असत निरोध करने पर तो ऐसे ही लोगों की निश्चिन्न होने की संभावना रहती है। श्री ठाकुर बोल रहे हैं, व्यष्टि से ही समष्टि है, इसलिए एक एक व्यक्ति को पकड़कर आगे बढ़ाना चाहिए। स्वयं को आदर्शनिष्ठ, आचरणवान और जाजन मुखर बनाना चाहिए और दूसरों को भी वैसा बना देना चाहिए जिसमें जैसी योग्यता है, इसी तरह फैलता है। सिर्फ भूल पकड़ा देने से नहीं होगा, सही पथ दिखाना होगा। उस पथ पर वो प्रॉफिटेबल इन ऑल रेस्पेक्ट्स या सब तरह से लाभजनक वास्तविक रूप से करके दिखाना होगा। उसके बाद भी मनुष्य बार बार भूल करेगा, विपद पर जाएगा, लेकिन उससे अधर्य होने से नहीं होगा। लोगों के पीछे लगा रहना होगा। अतंत्र शासन तोषण सेवा संबोधन के माध्यम से उसको इष्टानुवर्तन में व्रती बना देना होगा। प्रेम होने पर मनुष्य जैसा करता है। आप क्या अपने लड़के को इसी तरह छोड़ देते हैं? विपद में जाने पर भी प्राण प्राण से लौटाने की कोशिश करते हैं, वो आपका दायित्व है। ऐसा दायित्व बोध न रहने पर यह काम नहीं कर सकेंगे। मेरे चारों तरफ हताशा का यथेष्ट कारण है, लेकिन हताशा नहीं हो सकते हैं। सोचता हूँ शरीर में पैखाना लगा लेने पर भी तो यम छोड़ेगा नहीं। मेरा जो करणीय है उसे मुझे करना ही होगा। आप लोगों को लेकर ही मैं हूँ। आप लोग कष्ट में रहने पर मैं उससे बच नहीं पाऊँगा, इसलिए अपने गरज से ही ज्ञान बुद्धि अनुसार लगा रहता हूँ। मेरी तरह आप कई लोग यदि लगते हैं तब देखिएगा कितना महत्वपूर्ण काम हो जाएगा। थोड़ा रुककर स्नेहल दृष्टि से प्रमोद दा की तरफ नज़र देखकर एक आवृत्ति भाव से सिर हिलाकर हाथ नचाकर बोले, स्थिर रहो तुम जगे, दीपक की तरह आलस्य त्याग के इस निष्ठा में तुम सोने से लौट जाएंगे वे लोग। आलोचना प्रसंग भाग 6 पृष्ठ संख्या 39-40 से संग्रहित। जय गुरु।